हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग हेलो ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। और हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या सीखा था कि आप सभी को याद है? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था पूर्णांकों का योग, यानी कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों, हमने सीखा था पूर्णांकों का योग यानी कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्या आप सभी को ये याद आ रहा है? यस सर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यस सर, ओके, वेरी नाइस, वेरी यस नाइस। सर। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ एक रिकॉल क्वेश्चन के फॉर्म में। मान लो लिखा हुआ है -7 और इस टाइप से लिखा गया है प्लस और फिर लिखा गया -6। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करोगे। तो इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखोगे -7 और ये जो प्लस है और ये जो माइनस है। सर एक आएगा। हाँ, अभी देख लेते हैं। तो प्लस और माइनस मिलके बेटा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 लिखोगे। अब आप चेक करोगे कि क्या ये सेम साइन है, तो आप पाओगे कि हाँ ये तो सेम साइन है। और मैं आप सभी को सिखा चुका हूँ कि जो सेम होता है साइन तो वह जुड़ जाते हैं नंबर्स। तो नंबर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 7 और 6 को आप ऐड कर दीजिए, कितना होता है 7 और 6, 13 है ना, 13 होगा। अब रहा बात कि सर इसका साइन क्या आएगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो 7 बड़ा है या छोटा है, तो आप पाओगे कि 7 और 6 में से 7 बड़ा है और उसके पहले क्या है माइनस। तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो, तो -13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? तो यस सर, सर अभी को जो बच्ची बोल रही थी सर इसका आंसर 1 आएगा या -1, जो भी हमने आंसर दिया था, तो उनका आंसर गलत है और इसका आंसर करेक्ट सॉरी, होगा। मैं गलती से भूल गया था ये। ओके, कोई बात। तो अगर सेम साइन है तो बच्चों जुड़ जाता है ना। और जो साइन यूज करते हैं वे बड़ी वाली संख्या का यूज करते हैं, मैंने ये सिखा दिया। चलो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बेटा, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या था। मान लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, मान लो लिखा हुआ है 14, ठीक है, -14 लिखा है, प्लस प्लस लिखा हुआ है 29, ऐसे लिखा है। तो क्या कोई बच्ची बता सकती है कि इसका उत्तर क्या आएगा? यस सर, यस सर, बाकी लोग मेरे को ये बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ओके, तो उमा शर्मा और शिवा ठाकुर के नाम से जो भी बच्ची हैं, ठीक है, आप क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए। यस, तो आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। अनु शर्मा, सोनिका है ना, पूजा, अमृता है ना, ये नाम से जितने भी बच्चे हैं, मोनी, स्नेहा, अंशु, तो इस नाम से जितने भी बच्चे हैं उन सभी का उत्तर क्या है, सही। सभी का उत्तर सही। यस, और भी बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, मैं सभी के नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, बट यस सारे बच्चों का आंसर सही है। अब बच्चों ध्यान से देखना, यह 14 है और यह 29 है। आप यह देखो कि साइन क्या है, अलग अलग है ना। तो देखो एक प्लस और एक माइनस है। तो मैंने यस आपको, सर, हाँ, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब साइन अलग अलग होगा तो अलग अलग साइन होने पे घटाते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा। यस सर, हाँ, 29 में से 14 को आप माइनस कर दो जल्दी से, तो 9 में से 4 जाता है 5 और 2 में से 1 जाता है तो 1, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे 15। अब आप देखोगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप पाओगे कि 29 बड़ी संख्या है। और 29 बड़ी है तो उसके पहले का जो साइन है वो क्या है, प्लस। तो इसका आंसर भी आएगा +15। आप कहोगे सर अगर मैं प्लस ना लिखूं तो भी चलेगा, अगर आप प्लस ना लिखोगे तो भी चलेगा। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? यस सर, तो हाँ, इसी, यस सर, हाँ, इसी के आधार पे मैं एक क्वेश्चन दूं, आप सभी लोग उसका सही से आंसर करोगे बेटा। यस ओके, सर, चलो तो देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन।
मैं ठीक है, मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ और चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया। आप सभी है ना जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिना जल्दबाजी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं करना है बेटा, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को लगाइए और सही आंसर करिए, आराम से करिए और सही करिए। इसके बारी बड़े बड़े अक्षर में लिख दो, ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आप लोग पूछ लिया करो। वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, ये सवाल आ गया है कि 7562 एक ब्रैकेट में ब्रैकेट माइनस 3124। बेटा अब क्लियर है सभी को? क्लियर है ना आप क्वेश्चन? यस सर, यस सर, यस सर। जल्दी से इसको सॉल्व करो, बिना माइक ऑन किए सॉल्व करना है, बिना माइक ऑन किए सॉल्व करना है। और कोई बच्चा अभी के लिए अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा, आप अपनी कॉपी जरूर दिखाओगे। इसको सॉल्व बेटा कॉपी पे ही करना, कहीं और मत करना, कॉपी पे ही करना, ठीक है। लेकिन अभी मत दिखाना, अगर अभी दिखाओगे तुरंत चीटिंग हो जाएगा बेटा। तो अपनी कॉपी जानते हो कब दिखाना? जब मैं पोल सेक्शन बंद कर दूंगा और जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा, तब आप कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक कराना कि सर देखिए हमने इस प्रकार से किया हुआ है, हमारी कॉपी चेक कर दीजिए सर, है? जब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा तब, क्योंकि अगर अभी आपने कॉपी दिखाया तो तुरंत चीटिंग हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके बेटा, किसी का कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। नो सर। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। अभी 19 बच्चों ने आंसर किया है और सभी का आंसर सही है, हाँ सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करिए, सब बच्चे आंसर करिए, ठीक है बेटा। ओके वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी ने किया है ना। किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। आप लोगों की है ना इस तरीके से है ना, इस तरीके की मेहनत को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करने का मन कर रहा है, वो है ये आप सभी का मेहनत है, सभी के लिए मैं दे रहा हूँ। वेरी गुड है ना। बच्चों क्या मैं पोल सेक्शन बंद सर, इसमें से कितने बच्चे सही पोल्स पे भेज रखा है, एक बारी बता दीजिए। ओके तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, कुल 24 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 23 बच्चों का आंसर करेक्ट है और एक बच्चे का आंसर इनकरेक्ट। अच्छी बात है ना बच्चों, अच्छी बात है ना? यस सर। अगर जो एक बच्चे ने गलती करी, अगर उसने भी थोड़ी सी मेहनत की होती तो शायद उसका गलत नहीं होता। थोड़ी सी अगर वह मेहनत किया होता तो शायद उसका गलत नहीं है। कोई बात नहीं, आगे से वह बच्चा ध्यान रखेगा, जिसने भी गलत किया है ना वो आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, अब आप कैमरा ऑन करके कॉपी चेक कराइए।
सारे कुछ हैं। सारे बच्चे हैं कैमरा ऑन करके, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, है ना। मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा, ठीक है बेटा, मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं समझेगा कि मैं कॉपियां नहीं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यस, तो अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं शिवा ठाकुर की कॉपी देख पा रहा हूँ, राखी के नाम से बच्ची उनकी कॉपी देख पा मेरा नाम रहा हूँ। संध्या है। अच्छा संध्या, ओके बेटा ओके। सोनिया की कॉपी देख पा रहा हूँ, राखी श्रीवास्तव और यस राखी कुमार, इस तरीके से जो बच्चे हैं मैं इन सभी कॉपी देख पा रहा हूँ। स्नेहा प्रजापति, वेरी नाइस बेटा। अमृता कुमारी, वेरी गुड वेरी गुड। माइनस में होगा बेटा अमृता, है ना, माइनस में होगा अमृता। सुनीला देवी, ठीक है, वेरी गुड, है ना, यस। ओके बेटा चलो, वेरी नाइस। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक। ओके बच्चों, सारे बच्चों के कॉपी पे, है ना, अगर रिमार्क देना हो तो मैंने रिमार्क दे दिया है, वेरी गुड का रिमार्क है इस क्वेश्चन के लिए। और इसी तरीके का रिमार्क अगर आपको पाना है तो आप सभी लोग सही आंसर करोगे। क्या सारे बच्चे हर एक क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे? यस सर। वेरी गुड, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो आप ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -7562, और बेटा ये जो प्लस है ये माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3124 हो जाएगा ये, ठीक है ऐसे। अब बताओ ये सेम साइन है या नहीं है, ये सेम साइन है ना, यस सर। और मैंने सभी को सिखाया हुआ है कि अगर सेम साइन है तो नंबर्स ऐड हो जाते हैं, तो प्लस होगा, तो आप इनको ऐड करो, 4 और 2 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 6 2 ऐड करोगे 8 हो जाएगा, 5 1 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, 7 3 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। इट मींस 10686, बट इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है, 756। हां इसके पहले क्या है माइनस, तो आप लिखोगे यहां पे माइनस, तो यानी कि बी वाला आंसर बेटा करेक्ट है। सभी का क्लियर? यस सर। ओके बेटा, यस सर, यस। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ सर। देखिए कोई भी बच्चा अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए, ठीक है। मान लीजिए जो आप माइक ऑन कर रहे हो बेटा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ अगर आपको बहुत जरूरी कोई बात हो तब जाके आप माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज आप अपने माइक को क्या रखेंगे, बंद रखेंगे। बच्चों सबको समझ में आया? यस। तो अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो मेरी इस बात को आप जरूर मानेंगे। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा होता है। हाँ एक बात करो, अगर मान लीजिए आपको आंसर करना ही है तो चैट सेक्शन में जाना है, चैट सेक्शन में अपनी बातें लिखनी है और सेंड कर देना है। जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी बातें हैं वो लिखिए और सेंड कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन जब आप माइक ऑन करते हैं तो पूरी की पूरी क्लास क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए आप माइक को बंद रखें। ओके सर। चलो बच्चों अब देखो हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का घटाव। तो यहाँ पे देखो ये जो पूर्णांकों का घटाव होता है वो तीन केसेस में पढ़ेंगे, तीन तरीके से पढ़ेंगे। केस वन, केस वन, केस वन क्या है बेटा, ध्यान से समझ लो, सारे बच्चे ध्यान से समझ लो। मान लो दो नंबर्स हैं, मान लेते हैं कि 15 है और 6 है। बेटा देखो दोनों धनात्मक है, 15 भी धनात्मक 6 भी धनात्मक, और इन दोनों के बीच में माइनस लगाया गया, तो इस प्रकार का केस हो जाएगा दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। यहाँ पे 15 भी पॉजिटिव नंबर है, 6 भी पॉजिटिव नंबर है, और इनको क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो ये बन जाएगा आपका केस वन। केस टू क्या बनेगा बच्चों, समझिएगा, केस टू
दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव है, यानी कि जो 15 आप ले रहे थे इसको 15 न लेकर के -15 लीजिए, और ये जो 6 आप ले रहे थे इसमें 6 न लेकर के -6 लीजिए, और इस प्रकार का केस चला जाएगा केस 2 में। बताइए यहां तक आप सभी को समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। यस सर। देखो बेटा, अभी की राधा देवी के नाम से जो बच्ची है, मैंने आपको समझाया था ना कि आप बहुत जरूरी होने पर ही माइक ऑन करेंगे, अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना। राधा देवी, ओके बच्चों, ठीक है, चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो दो केसेस हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा एक बात और, आप अभी इनके आंसर पर फोकस मत करिएगा कि सर इसका आंसर क्या आएगा, तो आप इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे। आंसर तो मैं आपको सिखा दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आप फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ केस पर कि आखिर कितने केस बन सकते हैं। तो दो केस मैंने सिखा दिए, तीसरा केस क्या बन सकता है बेटा, देखो ध्यान से। केस थर्ड ये बन सकता है कि एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया जाए और दूसरा वाला ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया जाए। जैसे कि मान लेते हैं आपने ले लिया 15 प्लस में, और दूसरी संख्या धनात्मक दे दीजिए। देखो बेटा ये जो 6 है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। घटा तो हम रहे ही, हम घटाने की बात कर ही नहीं रहे, नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर की अगर बात करोगे तो 15 माइनस में होगा और जो 6 होगा वो था। बच्चों आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर अभी को क्लास कट गई थी क्या? सर ओके तो आपको ये केस थर्ड समझ में आया? केस थर्ड चैट सेक्शन में बताइए, केस थर्ड आप सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो एक बार मैं और बताता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, मैं फिर से बताता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। केस थर्ड में फिर से बताता हूँ, ठीक। केस थर्ड है क्या, आप सभी लोग समझेंगे। दरअसल हुआ क्या है बच्चों, देखिए दरअसल यहाँ भी बोला जा रहा है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 15 है ना, ये धनात्मक है, और ये 6 है ये क्या है, ऋणात्मक है। यानी एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, तो इस प्रकार का केस बन जाएगा केस थर्ड। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो। कैसे उल्टा कैसे लिखोगे? अभी के लिए आप 15 को धनात्मक ले रहे थे ना, अब आप 15 को ऋणात्मक ले लो, और 6 को ऋणात्मक ले रहे थे तो अब 6 को धनात्मक ले लो। बेटा देखो यहाँ पे 6 धनात्मक है और 15 क्या है, ऋणात्मक है। तो ये केस भी कहाँ चला जाएगा, ये केस भी चला जाएगा केस थर्ड में। क्या अब उमा के नाम से जो बच्ची है ना, अच्छा, उमा के नाम से जो बच्ची है, सोनिका के नाम से जो बच्ची है, और सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, और शिवा के नाम से एक बच्ची है, आप तीनों को समझ में आ गया बेटा? क्या आप तीनों बच्चियों को समझ में आ गया? चलो उमा का तो समझ में आ गया, बाकी लोग कंफर्म करो, ठीक है? बाकी लोग कंफर्म करो। यस सर, आगे समझ में। वेरी नाइस। अच्छा सोनिका के नाम से जो बच्ची है, अब मेरी आवाज आपको ठीक तरीके से आ रही है ना? सोनिका के नाम से जो बच्ची है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो अब हम कुछ सवाल करवाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो चार क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन चारों ही सवालों को मैं करवाऊंगा, ठीक है, और आप सभी लोग इसको सीखेंगे। क्या आप सभी लोग इन चारों ही सवालों को सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो। पहला सवाल जो लिखा गया है, ये लिखा गया है 10 जो कि धनात्मक संख्या है, 5 ये भी एक धनात्मक संख्या है, और बीच में लिखा गया है माइनस, ठीक है, बीच में लिखा गया है माइनस। तो आप देखोगे कि इन दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। बेटा 10 का चिन्ह अगर देखा जाए तो प्लस में है, 5 के आगे का चिन्ह देखा जाए तो माइनस में है, यानी कि चिन्ह अलग अलग है। और मैं आप सभी को सिखा चुका हूं कि जब चिन्ह अलग होता है तो बच्चों क्या करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं। घटा आप लोग भी आंसर करिए, आप लोग भी आंसर करिए कि जोड़ते हैं या घटाते हैं, माइनस करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। बेटा जो मैं पूछ रहा हूँ इसका भी तो आंसर दीजिए। आप लोग 5 लिखते चले जा रहे हो, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जोड़ना या घटाना पूछ रहा हूँ। अगर मुझे घटा जो मैं सवाल पूछता हूँ, है ना, जो सवाल मैं पूछता हूँ, आप सभी कोशिश करिए उसका आंसर करने की, है ना, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, है ना। जो सवाल मैं पूछता हूँ अगर आप उसका आंसर करोगे तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ये मेरा वादा है। तो बेटा 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा, और इन दोनों ही संख्या में से बड़ा कौन है बेटा, 10 बड़ा है या 5 बड़ा है, बताइए 10 बड़ा है या 5 बड़ा है। बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर किया करो, ये हुई ना बात बच्चों, ये है अच्छे बच्चों की निशानी, है ना, ये है अच्छे बच्चों की निशानी। जो सवाल मैं पूछूं बस उसका आंसर करिए। तो 10 बड़ा है, तो जब 10 बड़ा है तो उसके पहले का जो चिन्ह है वो क्या है, धनात्मक, तो आने वाला उत्तर भी क्या होगा, धनात्मक। तो मैं बार बार बोल चुका हूँ आप सभी को कि आप प्लस लिखिए या ना लिखिए, दोनों बातें एक है, तो आप सिर्फ 5 लिखेंगे तब भी आपका उत्तर सही है। तो कई बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था जिनका सही ना, तो जिन बच्चों ने 5 किया था आंसर सभी का क्या है, सही। ओके बेटा, अब बताइए क्या सभी बच्चों को पहला क्वेश्चन समझ आया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, मैंने कहा था सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट को ओपन करना, तो आप अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बेटा ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में गुणा करके क्या हो जाएगा, कोई बता पाएगा? माइनस और माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा बेटा? देखो जितेंद्र ने बता दिया, वेरी नाइस, जितेंद्र के नाम से जो भी बच्ची है, सुनीला देवी के नाम से जो भी बच्ची, उन्होंने भी बता दिया, अनु, सोनिका, इन सभी बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया। देखो बेटा ऐसे आंसर करो, ऐसे आंसर करोगे ना तो आप देखना बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे अगर आप आंसर करोगे ना तो मुझे लगेगा कि आप सीख रहे हो चीजों को और सीख करके तुरंत आंसर कर रहे हो, ये ज्यादा बेटर है। यस, तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर बेटा प्लस होता है और आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, बहुत बढ़िया। बच्चों अब बताइए इन दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है या सेम है, बताइए अलग अलग है या सेम, इन अलग अलग दोनों। अलग अलग बहुत सही, अलग अलग है ना बेटा। अलग अलग के लिए आप ए भी लिख सकते हो, है ना, स्मार्टनेस अगर आप दिखा सकते हो तो आप दिखाएंगे स्मार्टनेस के लिए ए। अगर आप मान लीजिए अलग अलग ना लिख पा रहे हो, डिफरेंट बहुत बड़ा वर्ड है ना लिख पा रहे हो, तो अगर आपने ए लिख दिया ना तो भी चलेगा, मैं समझ जाऊँ, और अगर मान लो सेम होता तो यस लिख देते, है ना, ये थोड़ी सी स्मार्टनेस है। चल बहुत अच्छी बात, तो अलग अलग है तो बेटा क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, यानी कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, सारे बच्चे चैट में बताइए प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। बहुत सही, बहुत सही बेटा। हाँ, तो जिन बच्चों ने प्लस लिखा था उनका उत्तर गलत है, और जिन बच्चों ने माइनस लिखा है उन सभी का उत्तर सही है ना, जिन बच्चों के ने माइनस लिखा है, ठीक है, उन सभी का सही। अच्छा गलती से हो गया था, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से बेटा ध्यान रखता हूँ। जिन बच्चों ने माइनस लिखा था उनका सही है, तो बेटा अलग अलग साइन होने पे माइनस करते हैं, तो 10 में से 5 घटा दीजिए आ जाएगा 5। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन है, 10 बड़ी है या 5 बड़ी है बच्चों, 10 या 5 कौन सी संख्या बड़ी है? 10 बड़ी है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात, 10 बड़ी है, और 10 के पहले का जो साइन है वो क्या है,
10 के पहले का जो साइन है बेटा वो क्या है, माइनस। तो जो आने वाला आंसर होगा वो भी क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि -5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया? ठीक है, चलो बच्चों, तो मैंने दो क्वेश्चन आप सभी को करवा दिए। अब आप लोग की जिम्मेदारी है, अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि जो तीसरा वाला क्वेश्चन है इसको सही सही करना, और सही सही करके आप कमेंट करेंगे अपना आंसर। ठीक है, आप कमेंट करेंगे अपना आंसर। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सही कर पाते। मोनी छावड़ा के नाम से जो बच्ची है बेटा, आपका आंसर गलत है ना, आपका आंसर गलत है। बाकी जितने बच्चे हैं, हाँ, शिवा ठाकुर और विजेंद्र कुमार के नाम से जो बच्चियां हैं उनका भी आंसर गलत है। जितेंद्र जोगिंदर आप लोग का भी आंसर गलत है। गौरी शर्मा बेटा आप सभी का आंसर गलत है ना। हाँ, जो बच्चे -15 लिख रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। जो बच्चे -15 लिख रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत। अब मैं सिखा देता हूँ कि कैसे होगा। आप ऐसे सोचना कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी कि सेम साइन है, और सेम साइन में नंबर्स जुड़ जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक, तो 10 और 5 जुड़ करके 15 आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो मैं कहूंगा बेटा आप इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या देखो कौन है। तो आप तुरंत कहोगे सर 10 तो बड़ी संख्या होती है 5 के कंपैरिजन में। तो मैं कहूंगा ठीक है, आप उसका चिन्ह देखो। तो आप कहोगे सर 10 का जो चिन्ह है वो माइनस में है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि हाँ बेटा, इसका जो उत्तर आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि जो यस सर, नंबर, समझ में आ गया। बिल्कुल, ये जो नंबर्स होते हैं वो बड़ी संख्याओं की बात मानते हैं। आप अपने आप को देखो बेटा, आप मान लो घर में अभी बच्चे हो, घर में मान लेते हैं आप बच्चे हो, तो आप अपने मम्मी पापा की बात मानते होंगे जो कि आपसे क्या है, बड़े हैं। बताइए आप अपने बड़ों की बात मानते हैं नहीं मानते? खुद आंसर करिए, क्या आप सभी लोग अपने बड़ों की बात मानते हो? बहुत बढ़िया, तो जब आप सभी अपने बड़ों की बात मानते हो तो नंबर्स भी अपने बड़ों नंबर की, यानी जो बड़े नंबर थे उनकी बात मानते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े नंबर हैं वो 10 है, और 10 के पहले माइनस था, तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले नंबर का बात माना जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत सही बेटा, बहुत सही। अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को करिए। अब बेटा इसका आंसर आप लोग करेक्ट करिएगा, इनकरेक्ट मत करिएगा, थोड़ा टाइम ले लीजिए लेकिन करेक्ट करिएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन करके दिखाइए बेटा। तो मैं बता देता हूँ किनका किनका आंसर गलत है फोर्थ वाले के लिए। ठीक है, मैं सभी का मतलब बता देता हूँ कौन कौन बच्चों ने गलत आंसर किया है। तो राखी श्रीवास्तव के नाम से जो बच्ची है उनका आंसर गलत है, राधा देवी के नाम से जो बच्ची है उनका आंसर गलत है, पूजा करके जो एक बच्ची है उनका आंसर गलत है, और हाँ अभी के लिए बाकी बच्चों का तो मैं आंसर देख पा रहा हूँ सही है। यस, तो जिन बच्चों का मैंने नाम लिया उन सभी बच्चों का आंसर गलत है, बाकी बच्चों का आंसर सही है ना। जिनका नाम लिया उनका गलत, बाकी लोगों का सही। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है। तो बेटा माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लिखोगे 10 प्लस 5, क्योंकि मैंने सिखाया है माइनस का गुणा माइनस में करने पे क्या होता है, प्लस होता है। ये सारी चीजें मैंने सिखाई है। अब आप देखोगे कि 10 भी एक धनात्मक संख्या है, 5 भी एक धनात्मक संख्या है ना। तो इन दोनों का साइन सेम है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए इन दोनों को ही जोड़ दीजिए। तो जो आप जोड़ोगे तो 10 और 5 कितना होता है, 15,
बड़ी संख्या 10 है, उसके पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस है, तो आने वाला आंसर भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो आप इसे प्लस 15 लिखिए या सिर्फ 15 लिखिए, दोनों बातें ठीक है, चाहे आप तो प्लस 15 लिख दीजिए या फिर सिर्फ 15 लिख दीजिए, दोनों बातें ठीक। क्या जिन बच्चों का गलत हुआ था उनको समझ में आया? बेटा देखो मैं सबको सिखा रहा हूँ तो आप सभी सीखिए, जिन बच्चों का गलत हुआ है आप सभी को बेटा समझ में आया, अगर न आया हो तो आप माइक ऑन करके बता दीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबको आ गया ना बेटा? वेरी नाइस। तो जल्दी से इस वाले पेज का आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नो सर। यस सर। यस सर। अब बताइए अब अच्छे से आ रही है ना बेटा? यस सर। ठीक है। यस सर। देखो बेटा अगर मान लो क्लास किसी वजह से है ना कट जाती है तो आप लोग शरारत तो नहीं करते हो ना? नो सर। हाँ बेटा आपस में बात। नो सर। यस। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि कभी कभी नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं जरूर क्लास को रीज्वाइन करूंगा, लेकिन आप बेटा शरारत मत ओके सर। हाँ बिल्कुल शरारत मत करना, क्योंकि आप सभी मैं समझता हूँ। देखो ये मैं सबसे अच्छा बैच मानता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ये बैच मैं आप सभी के लिए मैं बता देता हूँ सबसे अच्छा बैच ये मेरा है ना? ठीक है, मैं बाकी बच्चों को तो इस तरीके से नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वाकई में आप लोग काफी डिसेंट स्टूडेंट हो, एक होता है ना सिंसियर स्टूडेंट, तो उस तरीके के। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप एक अच्छे बच्चों की तरह रहोगे और क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करोगे मेरे जाने के बाद भी, और अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा इस तरीके से आप करोगे ना तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं फिर, है ना? ओके सर। यस। तो कोई बच्चा है ना क्लास में बदमाशी नहीं करेगा, अगर क्लास कट भी जाती है तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे और वेट करेंगे कि शुभम सर जब आ जाएंगे तभी हम माइक ऑन करेंगे, अननेसेसरी माइक हम ऑन नहीं करेंगे और ना ही क्लास को लीव करके जाएंगे, ये चीज होनी यस चाहिए। सर। ये चीज होनी चाहिए आप सभी में। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टफ लेकर के आया हूँ। देखो ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा ये टफ लेकर के आया हूँ ताकि आप सभी को थोड़ा टफनेस का लेवल है ना सिखा सकूं, ताकि कोई भी कठिन सवाल अगर दे आपको तो आप चुटकियों में कर दो, है ना, आपको सेकंड ना लगे तुरंत आप कर ले जाओ। तो क्या आप सभी तैयार हैं इन कठिन सवालों को करने के लिए?
सर ओके बच्चों, माइनस माइनस इस प्रकार से मिलेगा तो आप प्लस लिखोगे क्यों? मैं आपको सिखा चुका हूं कि माइनस माइनस मिलता है तो प्लस होता है। तो आप इस वाले सवाल को पहले, ये जो 12 है ये प्लस में है और ये जो 19 है वो भी क्या है? प्लस में है। ठीक है बेटा, ये दोनों संख्याएं प्लस में है। तो जब दोनों संख्याएं प्लस में है यानी कि सेम साइन है ना, इन दोनों ही संख्याओं का सेम साइन है, तो इन दोनों संख्याओं को आप ऐड करोगे यानी कि जोड़ोगे। तो 9 और 2 ऐड करो तो 11 होता है, तो 11 को आप 1 लिखोगे और 1 क्या बचेगा? हासिल 1 और 1 2 और 1 3 यानी कि 31। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ने पे 31 आएगा और यहाँ पे माइनस 15 आएगा। अब आप देखोगे कि ये 31 है जो कि प्लस में है, ये जो 15 है वो माइनस में है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। अब बच्चों क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो गया, और अलग अलग हो गया तो अब आप जोड़ोगे नहीं, तो अब क्या करोगे? आप घटाओगे। तो 31 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? 16 आएगा। क्यों बच्चों? 16 आएगा ना, तो यही आपका फाइनल आंसर। देखो कुछ बच्चों ने आंसर लिख भी दिया था, है ना? तो बताइए क्या आपको ये टफ लगा, जल्दी से बताइए चैट में। बहुत अच्छी बात, बहुत सर। नो सर। बच्चों इस तरीके से माइक मत ऑन करिए, है ना, आप चैट में लिखिए जिस तरीके से बाकी बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है? जिस तरीके से बाकी बच्चे लिख रहे हैं उस तरीके से आप चैट में लिखिए। ओके सर। यस, चलो तो पहला क्वेश्चन तो हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। देखना ये है कि दूसरा वाला क्वेश्चन कितने बच्चे अपने मन से करते हैं और अपनी कॉपी चेक कराते हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि दूसरा क्वेश्चन कितने बच्चे अपने मन से करते हैं, अपनी कॉपी चेक कराते हैं। बिल्कुल सही बात, सोनिका के नाम से देखो एक बच्ची है, इन्होंने अपनी परेशानी बताई और वो हर एक बच्चे की परेशानी है। जब आप माइक ऑन करते हो ना तो मेरी आवाज नहीं आती है बाकी बच्चों, तो बाकी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, है ना? तो आप प्लीज इस तरीके की हरकत मत करिए ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस हो, और ज्यादा अगर आप परेशान करोगे तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा। और अगर मैंने अपनी क्लास से आपको बाहर किया तो आप समझ लीजिए एंट्री भी मैं नहीं दूंगा, है ना? दोनों बातें हैं। यस, तो अगर आप इस तरीके से हमेशा बदमाशी करते रहेंगे तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, ये मैं क्लियर कट बता देता हूँ। खैर, तो इस वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 12 आएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 16 आएगा, देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप इस माइनस टू को ऐसे ही लिख दीजिए क्योंकि ये अलग चिन्ह का है, और ये 9 धनात्मक है, ये 5 धनात्मक है, सेम साइन के हैं। अब मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब सेम साइन होता है तो नंबर्स जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 9 और 5 हो जाएगा आपका 14, 14। ठीक, अब आप देखोगे कि ये जो 2 है वो माइनस है, ये जो 14 है वो प्लस है, यानी कि चिन्ह क्या है? अलग अलग है। और जब बच्चों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो नंबर्स घटते हैं, तो 14 में से 2 को आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12। अब बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या है 14, और 14 के पहले क्या है? प्लस, तो इसका आंसर भी आएगा प्लस में। तो आप प्लस लिखो या ना लिखो दोनों बातें सेम है। तो जिन बच्चों ने प्लस 12 लिखा था या सिर्फ 12 लिखा है उन सभी का आंसर सही है, और बाकी बच्चे इसके अलावा कोई और आंसर दे रहे हैं तो उनका आंसर गलत है।
बच्चों इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं। अब जाके आ रही कि अब नहीं आ रही? उमा शर्मा, बेटा अब आ रही है आवाज? सर उमा शर्मा के नाम से जो बच्ची है वो जरा सा कंफर्म कर दूं, तब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। उमा शर्मा, ओके। लगता है आप मेरे को सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तो ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है आप, ठीक है, क्लास रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, ठीक है। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा, है ना? यस यस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो उन्होंने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आएगा, और सभी लोग जानते हो कि इस टाइप के सवालों का आंसर सिर्फ और सिर्फ पोल सेक्शन में ही देना होता है। तो पहले आप इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, और जब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा तब जाके आप इसका आंसर चैट सेक्शन में देंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और चैट सेक्शन, सॉरी, हाँ, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। और बेटा मैंने पोल सेक्शन, ओके okay। हाँ, पोल सेक्शन जा करके देखो, तो मैंने ऑन कर दिया है। तो आप इसको सही ढंग से, है ना, जिस तरीके से मैंने सिखाया वैसे करने का प्रयास करिएगा, कोई जल्दबाजी मत रखिएगा। अच्छा एक बात और, एक बात और बच्चों, एक बात और, मैं ये सवाल लिख देता हूँ ताकि आप सभी को आसानी से विजिबल हो सके, आसानी से विजिबल हो सके। बच्चों 3 बच्चों ने गलत कर दिया, ये एकदम समझ लो अच्छी बात नहीं है बेटा, है ना? 3 बच्चों ने गलत कर दिया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सही कितने बच्चों ने किया? सही किया बेटा 6 बच्चों ने, ठीक है, 6 बच्चों ने सही किया। तो आप जो गलत कर रहे हैं पहले इसको गलत मत करिए, ठीक है, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। जब एकदम आश्वस्त हो जाइए कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट है, तभी जाकर के पोल में आंसर करिए। और इस पोल के बाद मैं आप सभी की कॉपियां चेक करूंगा, तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा, ठीक है बेटा, आप सभी लोग रेडी रहिएगा अपनी कॉपी में इसको नोट करके, ठीक है। ओके सर। मैं सबकी कॉपियां चेक करूंगा। यस, बेटा इस सवाल को आंसर करने में बहुत बच्चों ने गलती कर दी। क्या इतना टफ सवाल है क्या ये, बताओ? कुल 9 बच्चों ने, है हाँ ना? हाँ वही ना, देखो एकदम आसान है, लेकिन फिर भी जानते हो बच्चों कितने बच्चों ने गलत किया है? तो कुल 9 बच्चों ने गलत कर दिया। और अगर करेक्ट बच्चों की बात करी जाए तो 13 बच्चों ने करेक्ट किया है, 13 बच्चों ने। सर उसका नाम बता दो। बेटा यही तो दिक्कत है, तुरंत नाम नहीं पता लगता। ये नाम जानते हो कब मेरे को पता लगेगा? कल तक मेरे को पता लगेगा ये नाम। ठीक है, कल तक ये पता लगेगा। तो आप चाहो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन को बंद कर देता हूं और चैट सेक्शन को मैं ऑन कर देता हूं।
सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चों ने सी वाले ऑप्शन को चूज किया है। बेटा सी वाले ऑप्शन को क्यों चूज किया है आपने? चलिए सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करिए, अपनी कॉपी चेक कराइए। सारे बच्चे अपनी अपनी है ना कॉपी चेक कराइए। मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा बेटा लाइन बाय लाइन, है ना। तो मैं कॉपी चेक कर पा रहा हूँ, सुनीला देवी के नाम से एक बच्ची है, अमृता कुमारी, लक्ष्मी, पिंकी, है ना, इन सभी की कॉपियां मैं देख रहा हूँ। तो अमृता आपका आंसर बेटा गलत है ना, गलत है। राखी के नाम से एक बच्ची है, आपका आंसर सही है बेटा, राखी कुमारी आपका आंसर सही है। फिर पिंकी देवी के नाम से एक बच्ची है, आपका भी आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आरिफ के नाम से एक बच्चा है, आई थिंक बच्ची है, आपका आंसर गलत है। आरिफ के नाम से जो भी बच्ची है, शिवा ठाकुर आपका भी बेटा गलत है। उमा उमा एक सेकेंड बेटा, उमा यस यस आपका आंसर सही है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सुनीला देवी एक सेकेंड, मैं आपकी भी कॉपी देख पा रहा हूँ। नीचे करो बेटा, थोड़ा नीचे करो, हाँ और नीचे, नहीं ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि आपका आंसर आप दिखा कहाँ रहे हो, नहीं दिख रहा मुझे। लगता है आप एक ऑप्शन का यूज नहीं कर रहे हो, रुको 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 मैं समझ गया आप क्या यूज कर रहे हो। तो सुनीला देवी के नाम से जो बच्ची है ना, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जाओ और ऊपर एक ऐसे बटन होगा, ऐसे ऐसे एक बटन होगा, इसको दबाओ। इसको दबाने से क्या होगा ना, जो आपका फ्रंट कैमरा ऑन है या फ्रंट कैमरा बदल जाएगा बैक कैमरा, है ना। इसको आप क्लिक करो इस वाले बटन को, सुनीला देवी है ना के नाम से जो भी बच्ची है। यस अनु शर्मा का आंसर सही है, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर। फिर राखी श्रीवास्तव, यस बेटा आपका भी सही है। और किसका किसका सही है, सुषमा, यस सुषमा आपका भी आंसर ठीक है। चलो चलो बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सभी बच्चों को, ठीक है सभी बच्चों को इसका आंसर, हाँ सुनीला देवी मैं अब आपकी कॉपी, सर एक बार मुझे भी बता दो, -28। हाँ गौरी शर्मा अपनी कॉपी चेक कर, सर मेरा चेक कर दो। हाँ अब आपका करेक्ट है बेटा, सुनीला देवी के नाम से जो भी बची है, ठीक है सही है। गौरी शर्मा के नाम से जो बच्ची है, अगर आप अपना कॉपी चेक कराना चाहती है तो चेक करा लीजिए बेटा। अच्छा रुको फिर से चेक कराओ, फिर से चेक कराओ, सुनीला देवी सॉरी गौरी शर्मा। सर मैं आपकी कॉपी नहीं देख पाया, आपने तुरंत कैमरा बंद कर लिया ना इस वजह से। सर फोन में बैक कैमरा नहीं है। क्या हो रहा है? नहीं नहीं देखो देखो ये वाला बटन देखो है तुम्हारे फोन में, ये वाला बटन है गौरी शर्मा। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ गौरी शर्मा के नाम से जो, तो ये वाला बटन एक बार दाब के देखो। हाँ सर बोलिए। हाँ एक बार इसको क्लिक करके देखो, इस वाले बटन को कैमरा ऑन करके, ये सोनिका के नाम से जो बच्ची है आपका आंसर सही है। ओके सर। अमृता, यस अमृता अब आपका सही है आंसर, ठीक है। गौरी शर्मा के नाम से जो बच्ची है, आप इस बटन को एक बार दाब करके देखिए, एक बार क्लिक करके देखिए। सर नहीं हो रहा है। सर जी मेरा कैसा है? कोई बात नहीं, निधि सर मेरा, निधि यस बेटा आपका एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है, सर करेक्ट है, परफेक्ट मैं बोलूंगा, ठीक है। सर जी जोगिंदर नाम की है, जी हाँ आपका भी आंसर सही है, ठीक है। लेकिन लिखने का तरीका ऐसे नहीं होना चाहिए, जोगिंदर के नाम से जो बच्ची है, लिखने का तरीका ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, लिखने का तरीका देखिए कैसे होना चाहिए। देखो बच्चों लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे रफ वर्क कर लीजिए, क्योंकि आप देखोगे चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस में है ये प्लस में। बेटा माइक बंद करिए,
अलग अलग गौरी शर्मा आपको मैं क्लास से बेटा बाहर कर सकता हूँ ठीक है, अगर आपने हरकत दोबारा करी, प्लीज माइक मत ऑन करिए। तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है। 28 लिख दीजिए, बड़ी वाला साइन सॉरी बड़ा वाला नंबर कौन है, 118, 118 के पहले क्या है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -28। बी वाला आंसर करेक्ट है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? चलो बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो बेटा। सवाल क्या है मैं लिख देता हूँ, ठीक है मैं सवाल क्या लिख देता हूँ, लिखा हुआ है 120 माइनस 150, ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट बना सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। देखते हैं इस सवाल को कितने बच्चे सही करते हैं, देखना ही है कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। चलो लास्ट के 5 सेकंड और, सिर्फ 5 सेकंड, और 5 सेकंड के बाद बेटा हम पोल क्या कर देंगे, बंद कर देंगे ठीक है। जल्दी से जाइए और इसका पोल में आंसर करिए। सर जी हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने नहीं किया वही आंसर करिए। चलो बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, चैट सेशन को सर आप 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैंने बंद कर दिया, आपको पहले आंसर कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये 150 है, ये 120 है, इसका जो साइन है वो माइनस में है और इसका जो साइन है वो प्लस में है ना, चिन्ह अलग अलग है, तो जब चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा, तो 150 में से 120 चला जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 30 आएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस, क्योंकि क्या है बड़ा है, मतलब बेटा ये 150 है ना, 150 बड़ा संख्या है और इसके आगे माइनस है, तो -30 इसका ये करेक्ट आंसर होगा, सी वाला आंसर करेक्ट होगा बच्चों। हो गया बेटा ये क्लास हो गया ठीक है, सोनिका बेटा बिल्कुल चिंता मत करिए, क्लास ओवर हो गई है ना, तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, और अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और अब आप